हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। और एक अभी वीडियो तेज़ी से चल रहा है, वो है फर्जी आईपीएस। यानी बात करें बिहार की, तो बिहार के जमुई ज़िला के लखीसराय हालसी थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, गोवर्धन बीघा गांव, जहां का एक मांझी परिवार का लड़का रहता है, जो जिनका नाम है मिथिलेश मांझी, जो सिर्फ क्वालिफाई है, दसवीं पास है, दसवीं पास वो है, और वो शादीशुदा भी है। उनके पास एक बड़ा सा बाइक है, कीमती बाइक है। वो शायद कहीं गए बाइक से, जिसे उन्होंने बतलाए, उन्हें एक जॉब देने वाले कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट हुआ, यानी उन्हें दलाल कहिए, दलाल से संपर्क हुआ। संपर्क होने के बाद 2,30,000 में बात हुई नौकरी का, वो भी पुलिस की नौकरी। पुलिस की नौकरी इन्होंने भी 2 लाख रुपया उन्हें दे दिया, और देने के बाद इन्हें पुलिस की नौकरी का जो बात किए उसमें इन्हें इस तरह का ना पद दे दिया गया, इस तरह का ना पोस्ट दे दिया गया कि ना उनके लायक इनके शरीर था, ना ही इनके दिमाग था, और ना ही इनकी उम्र था। वो इन्हें खुद नहीं पता कि हवलदार क्या होता है, चौकीदार क्या होता है, SI क्या होता है, कांस्टेबल क्या होता है, IPS क्या होता है। वो भी जल्दीबाजी में अपना IPS का पद ही इसे दे दिया, और ये भी बड़े उत्साह से बड़ा सा महंगा गाड़ी पे स्टिकर लगा करके, उसमें और कुछ लिखा करके, IPS का जो यूनिफॉर्म होता है वो पहन करके घूम रहा है। इन्हें खुद नहीं पता है कि IPS बनने के लिए जो UPSC होता है वो कितना टफ एग्ज़ाम होता है, उसको फेस करके पास करके उसके बाद इस तरह का पद तक पहुंचा जाता है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल शॉर्टकट मार दिया गया, क्योंकि इन्हें भी जॉब का बहुत सवार था और उन्हें भी पैसा का ज़रूरत था। 2 लाख में ही IPS का इन्हें पद दे दिया, और ये अपना यूनिफॉर्म पहन करके और गाड़ी से घूम रहे थे। उसी दरमियान सिकंदरा जो थाना है उसके अंतर्गत पुलिस ने इन्हें रोका। रोकने के बाद देखा था IPS का बैच लगा हुआ है, इन्हें पकड़ के ले गया। ले जाने के बाद तमाम पूछताछ करने के बाद ये साबित हुआ कि दलाल के थ्रू इन्हें पैसा ठग लिया गया। ठगने के बाद जहां से भी हो इस तरह का वर्दी, इस तरह का यूनिफॉर्म इसे दे दिया गया। और जो था मनोज सिंह, इसके उसके प्रति अपना जो जांच होता है, जांच प्रक्रिया जारी है। पकड़े जाने पर उसकी जो कार्रवाई होगा, कानूनी कार्रवाई होगा, वो कार्रवाई की जाएगी। और इनका उम्र मात्र 18 वर्ष है, और 18 वर्ष में ही ये शादीशुदा भी है, और नाम है मिथिलेश मांझी। एक मांझी वो थे जो दशरथ मांझी, जिन्होंने पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया, और एक ये मांझी है बिना UPSC पास किए हुए ही IPS का पद तक पहुंच गए। और इसमें जिस तरह से बातचीत हुआ है, उस तरह से कुछ छिपाया गया है, छिपाया ये गया है लग रहा है, क्योंकि इतनी कम उम्र में, पहले तो बतलाया गया गरीब परिवार से है, गरीब परिवार होने के बावजूद भी कम उम्र में 2 लाख रुपया मंगाना, वो भी मामा जी से, वो भी कह कर कि उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है। आजकल फ़ोन का समय है, तुरंत लोग कॉल करके पता कर सकता है कि आखिर 2 लाख रुपया किस चीज़ में लगेगा, कैसा बीमारी है जो 2 लाख लगेगा, कहाँ ले जाना है, बहुत तरह की बातें होती है। और इनके मामा जी 2 लाख रुपया देते हैं। देने के बाद ये चुपके से उस दलाल के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं, दलाल को दे देते हैं, और इनको वर्दी पहना दिया जाता है, और ये अपने बाइक से घूमने लगते हैं। इसमें लग रहा है कि इनके जो फैमिली मेम्बर हैं वो भी संलिप्त हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम घर में हो रहा है और गार्जियन को पता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। और इनको इस तरह का ना पद दे दिया गया जो इनसे संभाले नहीं संभला, और आखिरकार पकड़ा गया। शायद 1-2 महीना अगर मंथली भी उठा लेते तो लगता जो हम IPS बने तो उसका दरमाहा उठाए, लेकिन बेचारा पहला दूसरा दिन ही पकड़े गए। और पकड़े जाने के बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी वो तो होगा ही, क्योंकि इनका उम्र है 18 वर्ष, इसीलिए बातचीत चल रहा है। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।